बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बेहद भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर एनकाउंटर हुआ है। फिल्मी अंदाज में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। मुजफ्फरपुर के बेरिया बस स्टैंड पर 10 संख्या में आए बदमाशों ने कुंदन सिंह को घेर कर 4 राउंड फायर किए। बस में हुए हमले के बाद एक बदमाश को छोड़कर बाकी सब भाग निकले। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाश को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश मारा गया। एनकाउंटर के वक्त बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं बेखौफ बदमाशों ने दिल्ली में एक कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। मामला दिल्ली के नरेला इलाके का है। ड्राइवर वारदात के वक्त कैब के अंदर ही बैठा था, तभी दो बदमाश वहां आते हैं और बेहद करीब से उसे गोली मारकर बेहद इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। पास से ही दो महिलाएं भी गुजर रही हैं। उनकी रफ्तार भी बेहद सामान्य बनी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पास ही गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति ने वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हमले में कैब चालक की मौत हो गई। पुलिस जमानत पर बाहर मोनू नाम के अपराधी की तलाश कर रही है।